हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हेडिंग्स के बारे में और ये हमारा लेक्चर 3। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हेडिंग इन HTML। HTML के अंदर 6 तरीके हेडिंग होती हैं, H1, H2, H3, H4 एंड 5 एंड H6। ये 6 तरीके हेडिंग्स सब डिफरेंट वर्क्स में यूज़ होती हैं। H1 हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, H3 इससे छोटी एंड इस तरीके से H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। इसी तरीके से इनकी प्रायोरिटी भी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा हो कि जो मेन हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसे हम बोल सकते हैं H1 हेडिंग। उसकी जो सब हेडिंग होती हैं वो उनसे छोटी होती हैं, थोड़ी कम बोल्ड होती हैं, उन्हें हम कह सकते हैं H2 हेडिंग। इसी तरीके से सबकी सब हेडिंग जो होगी वो H3 हेडिंग होगी और वो थोड़ी और स्मॉल और कम बोल्ड होगी। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे HTML के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं वो किस तरीके से यूज़ होती हैं रियल लाइफ में हमारे। अब हम बात करते हैं HTML हेडिंग्स के ऊपर, थोड़ा इनकी स्टाइलिंग वगैरह। तो आप फ्री होते हैं HTML हेडिंग्स की स्टाइलिंग करने के लिए। आपको प्रीडिफाइन बताया गया है कि HTML हेडिंग्स का जो फॉन्ट साइज होता है वो इतना होता है आपने HTML हेडिंग H1 हेडिंग लगाने के बाद। लेकिन आप चाहें तो इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, हेडिंग्स का कलर चेंज कर सकते हैं, उनका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ हेडिंग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यूज़ HTML हेडिंग्स फॉर हेडिंग ओनली, डोंट यूज़ हेडिंग टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। फ्रेंड्स, हेडिंग्स को HTML के अंदर सिर्फ हेडिंग बनाने के लिए ही यूज़ करना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अगर उन्हें कहीं पर कुछ बोल्ड और बड़ा लिखना है तो वो क्या काम करते हैं, उसको स्टाइलिंग देने की जगह पर एक हेडिंग टैग लगा देते हैं H2 या H3 टाइप का और वहाँ पर वो उनका वर्ड बिग और बोल्ड हो जाता है। बट फ्रेंड्स, ये आपका वेब पेज में एक कह सकते हैं इसे एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं इसे आप, या एक एरर मान सकते हैं। ये जो आपकी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस पर फ़र्क पड़ता है इससे कि आपने उसको वहाँ पर यूज़ करा जहाँ पर एक हेडिंग यूज़ नहीं होनी थी, वहाँ पर आपने एक हेडिंग यूज़ करा ली, उसको वर्ड को एक हेडिंग की प्रायोरिटी मिल जाएगी जो हमें नहीं देनी है। इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, ये आगे के जब आप वेबसाइट बनाएंगे तब के लिए एक नोट है आपके लिए। दूसरी बात है, ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस, जैसे मार्जिन भी कहते हैं, बिफोर एंड आफ्टर हेडिंग। हेडिंग जब टैग हम यूज़ करते हैं तो उसके पहले और बाद में ब्राउज़र ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वाइट स्पेस दे देता है ताकि हमें लगे कि यहाँ से हेडिंग स्टार्ट है और यहाँ पर हेडिंग एंड है। ये हेडिंग की एक प्रायोरिटी है, हेडिंग को एक स्पेशल दिखाने के लिए कि ये इस पूरे पैराग्राफ में ये जो लिखा है वर्ड ये हेडिंग है इसकी, ठीक है। तो इसलिए हम हेडिंग्स को यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के लिए, नॉट बिग एंड बोल्ड बनाने के लिए। ये कुछ हेडिंग्स के मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर कि हेडिंग्स इस तरीके की होती हैं और उनका साइज ये होता है। H1 हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4, H5, H6 इस तरीके से इनका फॉन्ट भी कम हो रहा है और इनकी बोल्डनेस भी कम हो रही है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम इनको अब डीपली समझते हैं। मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस खोल लेता हूँ और मैंने नोटपैड प्लस प्लस खोल लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है HTML का एक बेसिक सिंटैक्स और टाइटल में दीपक शर्मा और बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर मैं लिखूँगा H1 हेडिंग, H1 लिखा मैंने और इसे करता हूँ क्लोज, यहाँ लिखता हूँ H1 और मैं इसे कॉपी कर देता हूँ 6 times, 2, 3, 4, 5, 6 और मैं इन सभी H के हेडिंग्स को चेंज कर देता हूँ। इसको करता हूँ मैं 2 और यहाँ भी 2, ये 3, ये 4 हो जाएगी, ये हेडिंग 5 हो जाएगी, ये हेडिंग 6,
और अब मैं अपने इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने सेव करा है, और मैं सेव एज भी कर लेता हूँ, सेव एज लेक्चर टू डॉट एच टी एम एल। मेरा ये फाइल पहले से सेव थी इसलिए मैंने इसे सेव कराया था आपको दिखाने के लिए किस नाम सेव कर रहा हूँ इसे मैं और कहाँ सेव कर रहा हूँ। तो डेस्कटॉप मैंने फाइल को सेव कर लिया है lecture2.html, सेव, दिस फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ओके, देन रन करता हूँ मैं इसे लॉन्च इन क्रोम। मैंने क्रोम में इस फाइल को लॉन्च करा और ये देखिए H1 हेडिंग सबसे बड़ी थी, H2, H3, H4, H5, H6 इस तरीके से हमारे 6 के 6 हेडिंग्स आ गई हैं। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि हेडिंग्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर और हेडिंग्स की प्रायोरिटी कितनी होती है। मैं जानता हूँ कभी कभार आपको जो H1 हेडिंग है इससे भी बड़ी हेडिंग की जरूरत पड़ सकती है, आप चाहते हैं कि एक अलर्ट मैसेज आए मेरे सामने इसने बहुत बड़ी हेडिंग लिखी हो, बड़े अक्षर में लिखा हो, तो आप इस हेडिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं उसका फॉन्ट साइज बढ़ाकर। ऐसी बात नहीं है, आप इसमें स्टाइलिंग कर इसकी कुछ इसमें कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, लाइक इसका कलर चेंज कीजिए, इसका फॉन्ट साइज चेंज कीजिए, इसके फॉन्ट फैमिली चेंज कीजिए, इसमें आप कोई भी ट्रांजिशन या फिर एनिमेशन दे सकते हैं, वो सब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। और मैं आपको इसमें एक छोटी सी स्टाइलिंग दिखा देता हूँ आज, स्टाइलिंग का डेमो, बाकी हम सब कुछ स्टाइल टैग में पढ़ेंगे आगे के लेक्चरों में। जैसे कि मैं बॉडी के अंदर देता हूँ एक छोटा सा स्टाइल टैग लाइक BG बैकग्राउंड COLOR, बैकग्राउंड कलर हम देते हैं बॉडी का रेड देते हैं, रेड नहीं रॉयल ब्लू, ROYAL रॉयल BLUE, ठीक है। देन सेव कर दिया हमने कंट्रोल एस से एंड वापस रिफ्रेश करा आपने इसमें जाकर और ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बाकी बातें करेंगे और बाकी पढ़ाई करेंगे आगे के लेक्चर में। बाय।